अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप सबके साथ बिहार की बहुत ही खास और स्पेशल दाल की पूरी की रेसिपी लाई हूँ, कुछ ट्रिक और टिप्स के साथ, जिससे आपकी पूरी बिना फटे और बहुत ही अच्छी तरीके से फुली फुली बनकर तैयार हो जाएगी। यकीन माने ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, आप इसे एक बार बनाकर जरूर खाएं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप चना का दाल लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दाल ले सकती हैं, आपको जितनी पूरियाँ बनानी हो। दाल को हम 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और कुछ टाइम के लिए इसे सोख होने देंगे। अब हमारा दाल अच्छी तरह से सोख हो चुका है, हमने एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया है। अब हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब हम दाल को उबलने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा दाल उबल रहा है तब तक हम आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए हमने 2 कप आटा लिया है, साथ में 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर लेंगे और 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम हल्के गुनगुने पानी से सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर हम हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा आटा सॉफ्ट हो और आटे में लचीलापन आएगा। तो हमारा आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा आटा कितना सॉफ्ट गूंदा हुआ है। अब इसमें हम हल्का सा तेल लगाकर एक गीले कपड़े से इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए सेट होने देंगे। अब हम दाल चेक कर लेंगे कि हमारा दाल सही से उबला या नहीं। अब हमारा दाल ये सही से उबल चुका है, इसे अब हम प्याला में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ऐसे तो हम दाल को कुकर में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में ओवर कुक हो सकता है, इसीलिए हम दाल को पतीली में ही उबालेंगे। जब तक हमारा दाल ठंडा हो रहा है हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 लाल सूखी मिर्ची ले लिया है, 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है और 1/2 चम्मच अजवाइन ले लिया है और 1 इंची अदरक ले लिया है और 8 से 10 लहसुन कलियां की ले लिया है। अब इन सभी मसालों को हमें मोटा दरदरा पीस लेना है। अब ये दाल ठंडा हो चुका है, इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड किए हुए दाल में हमने जो मसाला तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे, साथ में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्ची बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, अब हम आटा चेक कर लेंगे। अब हमारा आटा अच्छी तरह से फूल चुका है, इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम नॉर्मल रोटियों की डो से बड़ी डो लेंगे और इसे हथेलियों पे मलकर चिकना कर लेंगे और इसे कटोरियों का शेप दे देंगे। अब इसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। याद रखें, स्टफिंग न ज़्यादा फिल करें न कम फिल करें, स्टफिंग ज़्यादा फिल होने से पूरियाँ फटने लगेंगी। इसे हमें इसी तरह से बंद करना है, इसे हमें अच्छी तरह से बंद कर लेना है, कोई क्रैक नहीं रहना चाहिए वरना फ्राई करने वक्त पूरियाँ फट सकती है। अब इसी तरह हम सारे डो को स्टफिंग से फिल कर लेंगे। अब हम लोई को हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि इसकी स्टफिंग चारों तरफ फैल जाए। अब हम चौकी पे थोड़ा सा तेल स्प्रेड करके लोई को उसी पर रखकर हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और बेलन से हल्के हाथों से उसे बेल लेंगे। इसे हमें मोटा ही बेलना है, दाल की पूरी हमेशा मोटी ही अच्छी लगती है। इसी तरह हमें सारे डो को बेल लेना है। अब हम फ्राई पैन में तेल गरम कर लेंगे, इसे अच्छी तरह से गरम होने देंगे। अब तेल गरम हो चुका है, अब हम तेल में पूरियां डालेंगे और ऊपर से गरम गरम तेल छोड़ते जाएंगे ताकि हमारी पूरियां फुली फुली बनकर तैयार हो जाए।
आप देख सकते हैं कि हमारी पूरियां कितनी अच्छी तरह से फूली फूली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम सारे पूरियां को इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सारी पूरियां कितनी फूली फूली बनकर तैयार हो गई है। आप भी मेरे ट्रिक से बनाएंगे तो जो आपकी भी पूरियां फूली फूली बनकर तैयार होगी। आप इसे दही, चटनी और खीर और सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।